हम जी डी सी हंदवाड़ा से, हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट जब इन्हें रिवॉल्वेशन निकाला तो हमारे सब्जेक्ट सारे जो शो हो रहा है, जिस का भी जो सब्जेक्ट शो हो रहा है उसका ये रहा कि बेकलाक रखा गया है, वो भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स रखे गए हैं, बाकी शो नहीं हो रहा है। अगर इनको रिजल्ट ऐसे ही निकालता तो पहले इनको सोचना चाहिए था, 2 दिन में कौन सा रिजल्ट निकलता है, कौन सा रिजल्ट निकला है 2 दिन में। अगर इन्होंने निकाला है वो भी एक ये सब्जेक्ट रखा है तो वो भी बेकलाक रखा है, वो भी ये 12 मार्क्स नहीं दे सकते, 5 मार्क्स नहीं दे सकते, ये लोग 2 मार्क्स दिए रखे हैं इन्हें, वो भी इंग्लिश का जो शो हो रहा है वो इंग्लिश का हो रहा है, 2 मार्क्स दिए हैं इन्हें, 3 मार्क्स दिए हैं। अब हम अग्रे चाहते हैं कि हम एग्जाम नहीं सीधे हम देने के लिए तैयार हैं, हम नया एग्जाम देंगे, तैयार है हम देने के लिए। ऊपर से हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम पेपर चेक करें तो रिवॉल्वेशन 500 नहीं अफोर्ड कर सकते, हम 500 दे सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी सभी कहते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी बेस्ट, मुझे नहीं लगता है कश्मीर यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी, कहाँ बेस्ट यूनिवर्सिटी, रिजल्ट देखो, मार्किंग देखो, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एंट्रेंस के लिए बच्चे प्रिपेयर हो रहे थे, एंट्रेंस देना चाहते, अब उनका क्या, यूनिवर्सिटी वाले ही करे, और कौन कर रहा है, खेल रहा है हमारे जज्बातों के साथ, यूनिवर्सिटी खेला हमारी जज्बातों के साथ। जी हमारी गुजारिश यही रहेगी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तक कि आप आइए, आप देखिए आपसे अगर किसी जगह गलती हुई है, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर जो भी लिटरेचर का सब्जेक्ट है उसमें कोई बंदा 89 कर सकता है आउट ऑफ 90 मार्क्स, इट्स नॉट ए पॉसिबल। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जनरल इंग्लिश जो है उसमें बस 2 ही यूनिट्स थे और हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स थे पढ़ने के लिए, हमने बहुत ही अच्छे से ये प्रिपेयर किया था, हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन क्या हुआ फिर भी 2 मार्क्स आए हैं जनरल इंग्लिश में, हाउ इट इज़ पॉसिबल। जी नहीं, हमने अभी तक किसी से बात नहीं की, बस हम यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि हमारी बात आगे पहुँचे, हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि आप इस बारे में देखिए, नहीं ये सब सब्जेक्ट्स में हुए, चाहे जो फिफ्थ इससे पहले इन लोगों ने 5th सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो अपलोड किया, उसमें क्या है कि जिसका भी क्लियर था जिसके 5 सब्जेक्ट्स बराबर क्लियर थे, जब उसके बाद ही इन लोगों ने 6th सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला, उसमें उस बेचारे का रिपेयर है, बैकलॉग है।